ओम वंदे गौ मात्रा। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करती है। मित्रों, गर्मी की ऋतु आरंभ हो चुकी है और धीरे धीरे अब गर्मी बढ़ती जा रही है। पर गर्मी जहां आती है, गर्मी का एक फल जो फलों का राजा कहा जाता है, जिसे हम आम के नाम से जानते हैं, आम का नाम लेते ही सबके मुंह में पानी आ जाता है। क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे मैंने इस अपने आसपास पाए हैं या दुनिया में देखे जिनको आम अच्छा ना लगता हो। आम बहुत ही स्वादिष्ट फल होता है और लोगों को ये बहुत अच्छा लगता है। और पर इसके सेवन में कुछ सावधानियां रखना आवश्यक है, अन्यथा ये आम आपके लिए घातक भी हो सकता है और आपके लिए रोग कारक भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में रोग कारक ना हो, आपको रोग से बचाने के लिए हम आपको कुछ सावधानियां बताने जा रहे हैं। आप उसको जरा ध्यान से सुन लें, करना क्या है। मित्रों, हमने जैसा कि कहा, गुजरात महाराष्ट्र ये ऐसे प्रांत हैं जहाँ बरसात आने से पहले ही आम खाए जाते हैं। बरसात आने के बाद यानी कि वर्षा ऋतु आरंभ होते ही यहाँ आम बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ ये कहा जाता है कि वर्षा ऋतु आरंभ होते ही आम में कीड़े पड़ जाते हैं। और मित्रों, हमने हाफुस को देखा भी है कि हाफुस में वर्षा ऋतु आरंभ होते ही कीड़े पड़ जाते हैं और इसलिए यहाँ आम उसके बाद नहीं खाया जाता। तो ये वीडियो विशेषकर उन लोगों के लिए मैं बना रही हूँ जो इन प्रांतों में रहते हैं और जो हाफुस, तोतापुरी, राजापुरी, तोतापुरी में तो खैर ज़्यादा समस्या नहीं होती, पर हाँ बाकी जो आम है जो इन प्रांतों के जो मूल नस्ल कही जाती है उनमें ये समस्याएं अधिक होती हैं। तो आपको सावधानियां क्या रखनी है आम खाने से पहले। मित्रों, यदि आप आम के शौकीन हैं तो आप एक काम सबसे पहले करिए कि आप जो आम खाते हैं उसको पहले कच्चा लाइए, अर्थात आप अमिया लाइए, पके हुए आम घर में ना लाएं, क्योंकि पके हुए आम केमिकल आदि से पकाए जाते हैं जो आपके लिए घातक हो सकते हैं। तो आप सीधा अमिया लाएं और उसको घर में खुद पका सकते हैं। पकाना कैसे है, आप कोई भी एक बोरा आदि बिछा दीजिए, उसके ऊपर आम लाइन से लगा दीजिए, उसको ऊपर दूसरा बोरा आदि ढक देते हैं, तो इससे उसमें गर्मी मिलती है जिससे आम पक जाते हैं। लेकिन यदि, क्योंकि मुंबई जैसा शहर ऐसा होता है कि जहाँ लोगों के पास इतनी जगह नहीं होती है, जगह की कमी होती है, तो लोग तैयार आम ही लाना पसंद करते हैं और तैयार आम ही लाके उसको रस आदि बना के खाते हैं। लेकिन कई बार होता क्या, ये आम खाने के बाद शरीर में गर्मी निकलती है, किसी को बुखार आ जाता है, किसी को कुछ समस्याएं अलग अलग हो जाती हैं। तो ये समस्याएं जो होती हैं आम खाने के बाद वो क्यों होती हैं, आज हम इसको आपको पूरा विस्तार से बता दें। मित्रों, आजकल जैसा कि आप सब जानते हैं, अधिकांश आम जो पकते हैं वो किसी ना किसी केमिकल के सहारे से पकते हैं, क्योंकि बिना केमिकल के वो आम यदि हफ्ते 10 दिन में पकता है तो केमिकल के साथ वो आम 2 से 3 दिन में भी पक जाता है। तो उतना ज़्यादा बड़ा गोडाउन नहीं चाहिए, छोटे गोडाउन में भी काम हो जाता है। तो इस चक्कर में, थोड़ा लालच के चक्कर में ये गलतियाँ किसान या जो आम बेचने वाले जो व्यापारी हैं वो करते हैं, किसान नहीं करता क्योंकि किसान से तो आम पहले निकल आता है, ये जो व्यापारी हैं वो करते हैं। यदि ऐसी गलती से आप, इससे आप बचना चाहते हैं कि केमिकल के पके हुए आम कोई भी आपको बता के नहीं देगा कि हमने एक आम केमिकल से पकाए हैं, तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले जो आम लाते हैं आप उसको कम से कम 6 से 8 घंटे पानी में डुबा के रखें। जब आप पानी में आम को डुबा देंगे तो उसकी जो केमिकल की जो गर्मी है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है और उसके ऊपर केमिकल जो है उसके बाद उसको रगड़ के धोइए, उसके बाद उसका छिलका निकाल के जैसे भी आप प्रसादी बनाते हैं वैसे आप बनाइए। लेकिन इसमें एक बात का और ध्यान रखिए, यदि आपके आम के भीतर गुठली बहुत ज़्यादा सूखी सी अजीब सी निकलती है, गुठली में यदि आम का जो रस है उसका सही स्वाद नहीं है, तो आप अपने जो जहाँ से आम ले रहे हैं उससे कहिए कि आपने केमिकल बहुत अधिक डाला है, इतना केमिकल आप डालेंगे तो हम आपसे आम नहीं लेंगे। क्योंकि यदि आपको इसको सुधार करना है तो आप यदि इसका विरोध करेंगे तो ही ये व्यापारी जो हैं वो संभलेंगे और कम प्रयोग करेंगे, केमिकल आदि का कम प्रयोग करेंगे। मित्रों, दोनों बातें होती हैं, क्योंकि हमें चीज़ें सस्ती भी चाहिए होती हैं और हमें अच्छी भी चाहिए होती हैं। अब दिखने में अच्छी है तो अंदर से भी अच्छी है ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि ऊपर से सुंदरता क्या होती है हम सब जानते हैं, लिपा पोती करके भी चेहरे कई बार बहुत सुंदर हो जाया करते, तो वही स्थिति कई बार इसमें भी हो जाती है। तो आपको यदि सही चीज़ चाहिए तो उनको कहिए कि हम आपको थोड़े ज़्यादा दाम देंगे लेकिन हमें आम जो दें वो आप इस तरह नहीं, हमें सही तरीके से पका के दें। मित्रों, कठिन नहीं है, आपको थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन रोगी होने से अच्छा है कि थोड़ा सा खर्चा बिना रोग के ही आप कर दें। तो यदि आप कोई भी आम लाते हैं तो आप यदि उसको पानी में रख के उसको फिर इस्तेमाल करते हैं तो आपको समस्या नहीं आएगी। और आम एक ऐसा फल है जो मीठा आम है, वो एक ऐसा फल है जो आप दूध के साथ ले सकते हैं, अर्थात मिल्क शेक जो है आम का वो आप बेखटक पी सकते हैं। और एक आम ही है, आम को फलों का राजा शायद इसीलिए कहते हैं कि उसको दूध के साथ पी लिया जा सकता है। तो
आप आमरस पीजिए, आप आम का दूध के साथ मिल्कशेक पीजिए, या आप आम का कुछ भी आइसक्रीम बनाइए, कुछ भी बनाइए। पर आइसक्रीम बनाने में एक बात विशेष ध्यान रखें कि अधिक ठंडा आंतों को नुकसान करता है, ये आंतों को जाम करता है। तो थोड़ा बहुत लिया तो समस्या नहीं होती, लेकिन ज्यादा लिया पर उसको जो आप लेते हैं उसको मुंह में पूरा गर्म करके फिर अंदर उतारें तो अधिक समस्या नहीं होगी, अन्यथा उसको जल्दी जल्दी आप फटाफट उतारेंगे तो आपको नुकसान कर जाएगा। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें आप यदि रोग से बचना चाहते हैं, क्योंकि यदि केमिकल वाला जो आम आप सीधा खा लेते हैं उससे बुखार होना, जैसा हमने पहले ही बता दिया, बहुत सारी समस्याएं जन्म ले लेती हैं, तो उनसे बचिए। और आपकी देह में कैसा भी कोई भी रोग हो, शरीर का हो, मन का हो, कैसा भी रोग हो, हमारी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं जिसमें हमने आपके रोग अनुसार बहुत सारी वीडियोज दे रखे हैं। आप अपने रोग अनुसार वीडियो को चुनिए और नियम पालन प्राणायाम करिए। रोग अनुसार वीडियो जो चुनेंगे उसमें आपको पॉइंट्स आदि कहाँ देने वो मिल जाएंगे, और साथ में नियम पालन प्राणायाम की वीडियो जो है हर वीडियो के विवरण में हमने दे रखे हैं, विवरण अर्थात डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, उनको देखिए, उनका पालन करिए और अपने हर रोग का आप समाधान कर सकते हैं। इस वीडियो के विवरण में भी नियम पालन प्राणायाम दिया हुआ है। यदि हमसे समाधान चाहिए है तो नियम पालन प्राणायाम अवश्य देखें, उसके बिना आपको समाधान नहीं मिलेगा, क्योंकि वो हर रोग का समाधान है। कोई प्रश्न तो टिप्पणी वीडियो पर करिए, उत्तर आपको जल्दी मिल जाएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।